प्रतापगढ़ में बेलखर नाथ धाम के ब्लॉक पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने 201 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर किसान आंदोलन पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में ऐसे किसान जो अन्न भंडार के देवता हैं, उनको मोदी पर विश्वास है, लेकिन उनको कुछ राजनीतिक दलों ने गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों को समझाने में प्रयासरत है कि ये कानून किसान के हित में बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने बाबा बेलखर नाथ धाम ब्लॉक प्रांगण में आयोजित लोकार्पण समारोह में कहा कि बाबा बेलखर नाथ धाम ब्लॉक के साथ ही पट्टी विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना प्राथमिकता में है। उन्होंने ब्लॉक क्षेत्र की 201 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 55 लाख लक्ष्य की जगह यहां 1,60,00,000 का कार्य किया गया है। मंत्री मोती सिंह ने कहा कि गरीबों को मिलने वाले आवास में पिछली सरकारों में बिचौलिए हावी हो जाते थे, बीजेपी सरकार में सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर गरीबों को राहत दी गई है। किसान देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है और 130 करोड़ के भारत में कुछ प्रदेशों के कुछ ऐसे किसान जो अन्न भंडार के देवता तो हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें गलत बात बताकर गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। हमारे उदार प्रधानमंत्री जी और समझदार बहुत ही परिपक्व कृषि मंत्री जी का बराबर प्रयास अपने किसानों को समझाने का है और उनके हित में बनाए गए कानून के अनुसार उनके सहयोग का है। मैं समझता हूँ उसमें वो सफल हैं और बहुत जल्दी ये आंदोलन समाप्त। मोती सिंह ने ब्लॉक क्षेत्र के 78 सार्वजनिक शौचालय, 34 पंचायत भवन, 9 आंगनबाड़ी केंद्र और क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों समेत 201 परियोजनाओं को ऑटोमेटिक बटन दबाकर लोकार्पण किया और ब्लॉक क्षेत्र के 1,466 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र दिए।